संजना शर्मा जी, गुरुजी पति और पत्नी के लड़ाई क्यों होती है? क्या कोई ग्रह अथवा दोष के कारण ऐसा होता है? पति और पत्नी में लड़ाई क्यों होती है, क्यों होती है, ये तो आज तक इसमें कोई साइंस कोई विज्ञान काम किया नहीं, कोई रिसर्च सामने नहीं आई कि क्यों लड़ाई होती है। हाँ, पर मेरी अपनी एक रिसर्च है कि पति पत्नी में लड़ाई तब तब होती है जब जब दोनों के विचार भिन्न हो जाते हैं, अलग अलग सोच, अलग अलग, वो अलग सोचे आप अलग सोचे, इस यदि विचार मिल जाएं तो कभी झगड़े की संभावना नहीं। राम और सीता के बीच में कभी झगड़ा नहीं हुआ, है ना? राधा और कृष्ण के बीच में कभी विवाद नहीं हुआ, रुक्मणी और कृष्ण के बीच में कभी झगड़ा नहीं हुआ। तो जहाँ विचार मिल गए वहाँ विवाद नहीं, जहाँ विवाद है वहाँ विचार नहीं मिल रहे हैं, तो झगड़ा विचारों का होता है। विचार ना मिलने, पत्नी का विचार कुछ और है, पत्नी कहती है इस ढंग से चलो, पत्नी कहती है हम आज एक माँ आई उन्होंने यही तो बताया, कल एक माँ आई थी उन्होंने बताया कि बहू कहती है कि इस घर में माँ रहेगी या मैं रहूँगी। अब ये पत्नी का विचार है। अब पति कहता है कि एक काम कर मैं माँ के साथ रहूँगा, तो वो मायके चल, अब ये विचार भिन्न हो गए, जबकि विचार ऐसे होने चाहिए कि चलो हम सभी माँ की सेवा करें और प्रेम से रहें घर में। एक विचार होगा तो झगड़ा नहीं, अनेक विचार होंगे झगड़ा। टकराव पति पत्नी का नहीं होता, टकराव विचारों का होता। और विचार टकराए तो पत्नी पत्नी पति पत्नी टकराने लगते हैं। नैन्सी शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी, पंचक में शुभ कार्य कर सकते हैं या नहीं? पंचक में शुभ कार्य कर सकते हैं या नहीं? हाँ जी, पंचक में शुभ कार्य, अब आप ये नहीं बता रहे हैं कौन से शुभ कार्य। पंचक पांच चीजों के लिए मनाही है, सबके लिए मनाही नहीं है। जैसे पंचक में भागवत जी प्रारंभ कर सकते हैं, भागवत जी पर पंचक का कोई संबंध नहीं है। पंचक के दिन छोटी छोटी चीजें हैं, खटिया बुनना, घर की नींव रखना, ऐसे पांच चीजें हमें, पांच चीजों का पंचक होता है। ये पांच चीजें, पांच काम नहीं करते, बाकी इससे अतिरिक्त जो कार्य हैं वो सब कर सकते हैं। वो पांच चीजें हैं जिसमें कि एक तो खटिया बुनना, दूसरा घर की नींव रखना है, तीसरा नया चूल्हा बनाना, अब तो ये चूल्हे उल्हे बनती नहीं है, है ना? ये दो कुछ और हैं, वो भी सामान्य है, कोई बहुत बड़ी नहीं है, हमें पहले याद थी, अभी बहुत दिनों से इस पर चर्चा हुई नहीं, सो विस्मरण है। ऐसी पांच चीज़ों को पंचक, पांच काम नहीं करने का पंचक, बाकी सब कर सकते हैं।